बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर है, परीक्षाओं के बीच जारी फिल्म की शूटिंग, महाराजा कॉलेज में शूटिंग के बीच सेमेस्टर परीक्षा, विश्वविद्यालय की परमिशन से जारी है फिल्म की शूटिंग। महाराजा कॉलेज प्रिंसिपल का कहना, फिल्म की परमिशन ले ली गई 3 महीने पहले ही, सेमेस्टर परीक्षा में नहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत। तो प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जो सेमेस्टर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, परीक्षा में किसी तरह की कोई व्यवधान ये शूटिंग नहीं डाल रही है। और हमारे साथ भारत सहयोगी जुड़ गए हैं, भारत जानकारी दे। देखिए बिल्कुल मेगा, आज से राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर एग्जाम है वो यहाँ पर शुरू हुई है, और इसी बीच जो महाराजा कॉलेज है उसके अंदर फिल्म की जो शूटिंग है वो यहाँ पर जारी है। तो इसको लेकर बीच परीक्षाओं में जब प्रशासन को पता है कि आज से परीक्षा शुरू हो रही है, ऐसे में महाराजा कॉलेज में जब चलती परीक्षा के बीच में फिल्म की शूटिंग किस आधार पर दी गई, ये सबसे बड़ा सवालिय निशान है। और जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि फिल्म की परमिशन है वो 3 महीने पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो डीसी हैं राजीव जैन, उनकी ओर से यहाँ पर दी गई थी। लेकिन ठीक है, फिल्म की परमिशन यहाँ पर दी जा सकती है, लेकिन जब सेमेस्टर एग्जाम परीक्षा यहाँ पर शुरू हो चुकी है, ऐसे में फिल्म की शूटिंग यहाँ पर चल रही है, तो ये बड़ा सबसे बड़ा सवालिय निशान है। और परीक्षा में जब छात्र परीक्षा देने जाते हैं, ऐसे में अगर फिल्म की शूटिंग होगी तो उनकी एकाग्रता है वो यहाँ पर भंग होती है, कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, पारदर्शिता की बात आती है। एक तरफ तो कानून, नया कानून लागू हुआ, उसके बीच में इस तरह की चीजें, परीक्षा, फिल्म की शूटिंग यहाँ पर है, जो बिल्कुल कई इसके सवाल उठते हैं यहाँ पर, कई तरह से गलत भी इस चीज को माना है। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये बताया है कि 3 महीने पहले इस फिल्म की शूटिंग ली गई है, और फिल्म की शूटिंग के चलते परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान है वो यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भारत जानकारी के लिए।